वो सर्दी की सुबह, वो स्कूल की बेल, वो बारिश का पानी और शाम को 5 बजे क्रिकेट का खेल। भाई वो दिन वापस नहीं आएंगे, लिख के ले लो मुझसे। इतनी ही खूबसूरत थी 90s की मोहब्बत और 90s की रोमांटिक गजलें, जो एक्चुअली हमें जिंदगी की हर मोड़ पे काम आई। फिर वो चाहे मोहब्बत की खुशी हो या फिर किसी से बिछड़ने का गम। तो आज देखेंगे ऐसे ही 5 90s की गजलें जो मेरी फेवरेट है और शायद आप भी मुझसे एग्री करोगे। सो टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं हमारी पहली गजल को, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। जगजीत सिंह की ये गजल बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर से मॉडर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, इसलिए लेजेंडरी सिंगर को ओल्ड जनरेशन और नई जनरेशन दोनों पसंद करती है। जगजीत सिंह बॉर्न 8 फरवरी 1941 एंड डाइड 10th ऑफ अक्टूबर 2011 एंड दैट वाज द ह्यूज लॉस फॉर द इंडियन म्यूजिक। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। दूसरे नंबर पे है और आहिस्ता कीजिए बातें बाय पंकज उदास, एक फेमस गजल सिंगर जिन्होंने अपने अभी तक के कैरियर में काफी सारे हिट्स दिए हैं। गजल रिलीज हुई थी 1998 में। इस गजल के साथ उसका वीडियो भी काफी फेमस हुआ था, जिसमें एक अंग्रेजी लड़का और एक देसी लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई है। अब रोमांस को प्रमोट करने के लिए इससे बेहतर सब्जेक्ट क्या हो सकता है। गजल स्लो है पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल है, जो 90s की हो गए वो तो शायद रो देंगे। इन वन लाइन, इनोसेंट एंड प्योर लव। नंबर 3 पे है तेरे होठों को सलाम बाय अशोक खोसला। ये मेरी लिस्ट में सबसे टॉप पे है। एक ऐसी गजल जिसे आप हजारों बार सुन सकते हैं पर आप बोर नहीं होंगे। गजल रिलीज हुई थी 1998 में। मेरे लिए ये गजल आज भी उतनी ही फ्रेश है जितनी ये तब हुआ करती थी। अशोक खोसला को पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने ही दिया था। उन्होंने अपने अभी तक के कैरियर में अराउंड 21 हिट्स दिए हैं। तेरे होठों को सलाम, तेरे होठों को सलाम। आगे नंबर 4 पे खड़े हैं हमारे प्यारे जगजीत सिंह एक बार फिर से। गजल है होश वालों को खबर क्या, फिल्म सरफरोश की ये गजल फिल्म से भी ज्यादा हिट हुई थी। जगजीत सिंह ने इसे इतने प्यार से गाया है कि क्या बात करें। इस गजल और सोनाली बेंद्रे को लोगों से इतना प्यार मिला था कि लोग आज तक नहीं भुला पाए। फिल्म सरफरोश की गजल आई थी 1999 में। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या। नंबर 5 पे है चुपके चुपके रात दिन। भाई साहब गुलाम अली की इस गजल ने तो गदर मचा दिया था। गुलाम अली ने ये गजल निकाह फिल्म में गाई थी और ऐसा बवाल मचा दिया था कि पूछो नहीं। आज तक इस गजल की रेंज में मेरे हिसाब से दूसरी कोई और गजल नहीं है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में अगर पहली बार कुछ सुना था तो वो थी ये गजल, और अभी भी ये गजल मेरे कानों में गूंजती है क्योंकि मेरे पापा खुद सुबह शाम इस गजल को सुना करते थे और आज भी सुनते हैं। चलिए मेरे 90s की वीडियो तो इतनी सी ही थी, लेकिन इससे जुड़ी यादें बहुत लंबी है जो शायद कितने भी वीडियोस बना लो लेकिन उसे समा नहीं पाओगे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अपने पुराने दिनों में लेके गया होगा, जहां पर अपने जिंदगी के वो लम्हे जिए होंगे जो शायद आगे आप कभी नहीं जी पाओगे। वो दौर, वो वक्त, वो वापस नहीं आएगा, पर हम जरूर आएंगे अपने नए वीडियो में। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कर देना तो कमेंट्स करके जरूर बता देना आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड स्टे पॉजिटिव।